हेलो दोस्तों, तो आज हम मिल रहे हैं न्यू रेसिपी के साथ जिसमें हम बनाएंगे बनाना मिल्क शेक। तो उसके लिए हमने इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे कर लिए हैं। तो इसके लिए हमने लिए हैं 2 केले, ये हमने 1 गिलास दूध ले लिया, ये हमने लिए हैं 5-6 बादाम और ये है 1 चम्मच चीनी। आप चाहे तो नहीं भी डाल सकते और डाल भी सकते हैं, बाकी आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। तो अब हमें ये सारा सामान मिक्सर ग्राइंडर में डालना है। अब हमें सारा सामान इसमें डालना है। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे मिल्क और फिर हमें इसमें केलों को छोटे छोटे पीसेस में कट करके डाल देना है। ये मैंने केलों को छोटे छोटे पीसेस में डाल दिया कट करके। और हम इसमें डालेंगे अब थोड़ी सी चीनी और हम इसमें डाल देंगे 2 बादाम। आप चाहें तो और भी ऐड कर सकते हैं, आप अपने टेस्ट में जो भी डालना चाहें वो डाल सकते हैं। और अब हमें इसे 5-10 मिनट के लिए अच्छे से ग्राइंड कर लेना है जिससे कि हमारे केले अच्छे से पिस जाएंगे, मोटा मोटा नहीं रहेगा और बादाम भी अच्छे से पिस जाएंगे। आप देख सकते हैं ये अच्छे से ग्राइंड हो गया है, ना तो ये ज़्यादा मोटा है और ना ही ज़्यादा पतला है, तो अच्छे से पिस गया है ये। और अब हमें इसे ग्लास में डालना है। ये बहुत ही इजी तरीके से बना है और इसको बनाने में भी बहुत कम टाइमिंग लगती है। तो और अब हम इसे सजाएंगे, तो इसमें हम छोटे छोटे बादाम के पीसेस डाल देंगे जिससे इसका टेस्ट भी आएगा और ये देखने में भी अच्छा लगेगा। बादाम हमारे खाने में भी बहुत अच्छे रहते हैं और ये बहुत ठंडा रहता है, तो गर्मियों में तो ज़रूर ट्राई कीजिए बना के। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।